वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया, सबके एकदम बिंदास हालचाल। 10 दिन और बाकी है, आ रहे हैं एग्जाम, ढंग से जम के पेपर करके आएंगे, ठीक है ना? जितना आता है शानदार करके आएंगे, ठीक है? कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का भी एक छोटा सा वीडियो बना दो सर, ताकि उसका रिवीजन हो जाए, क्योंकि वन ऑफ द टिपिकल कॉन्सेप्ट में से एक आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैं आपसे 10 या 15 मिनट मैक्सिमम मान लो इसके अंदर पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिवाइज करा दूंगा, और इसको इस तरीके से करा दूंगा ताकि हम एग्जाम में लगभग सारी एंट्री कर सकें, ठीक है? अच्छा, और इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक किसी भी चीज़ में कैसा भी पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप वगैरह कर ही सकते हो। अगर नहीं पूछ सकते, आपको लगता है कि साहब उसका वीडियो बना के भेजना है या किसी और तरीके से आपको बताना है, तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास मेरे हैं ही, अगर नहीं भी हैं तो आप मुझे इस पर फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, 8955171618, इस पर मुझे लिंक कर सकते हैं। तो आपका जो भी क्वेरी होगा, किसी भी सब्जेक्ट में हो, प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, मैं उस पर आपको वीडियो बनवा दूंगा। गॉट इट? JLP एक इश्यू रहता है तो वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। हमारा टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। होता क्या, 5 मिनट लेता हूँ, सुनना आराम से। हम जब भी अकाउंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम एंट्रीज करते हैं, ठीक है? एंट्रीज करने के बाद उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, ठीक है? लेजर में पोस्ट करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पेंडल और बैलेंस शीट बनते हैं। अब कई बार हम कोई भी इन पूरे प्रोसेस में कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर रह जाता है, कुछ ना कुछ गलती रह जाती है, उस गलती को हमें सुधारना होता है। उसे सुधारेंगे कैसे, वही इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। भाई सीधी सी बात है, मैंने क्या किया, मैंने किसी को गुड्स बेचा, मैंने एंट्री करी राम अकाउंट डीआर टू सेल्स, ठीक है? लेकिन मैंने जब उसको पोस्टिंग किया तो राम की जगह श्याम लिख दिया, तो ये गलती हो गई। इस गलती को सुधारेंगे कैसे, वही मुझे डिस्कस करना है, ठीक है जी? सर हम गलती कब सुधारते हैं, पहली बात तो सर जब गलती पकड़ में आ जाए तभी सुधारते हैं। भाई कोई भी गलती हम कब सुधारेंगे, जब वो पकड़ में आएगी। तो आपके यहाँ 3 टाइम पर आप एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। सर वो 3 टाइम कौन कौन से हैं? तो पहला आपके लिए है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब क्या हुआ कि आपके यहाँ एरर हो गया बट अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बना, और ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपको लगा अरे यार ये गलती कर दी, तो उसको सुधारेंगे कैसे? ट्रायल बैलेंस नहीं बना, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है लेजर्स आर स्टिल ओपन, मतलब अकाउंट्स अभी क्लोज नहीं हुए। अभी लिख लेना भाई सारा का सारा, अकाउंट्स अभी क्लोज नहीं हुए, ठीक है? दूसरा, आप कब गलती सुधारोगे? आपने ट्रायल बैलेंस बना दी, ट्रायल बैलेंस बनाई उस दिन तक वो गलती पकड़ में नहीं आई। आपने ट्रायल बैलेंस बना दी, अच्छी बात है, ट्रायल बैलेंस बनाई तब तक वो गलती पकड़ में नहीं आई, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट्स, लेकिन अकाउंट्स फाइनल करने से पहले गलती पकड़ में आई, तो उस केस में कैसे रेक्टिफाई करेंगे? और तीसरा है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद अगर गलती पकड़ में आती है तो उस केस में हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो इन तीनों को समझेंगे, उससे पहले हम कुछ बात समझते हैं। आपके यहां गलतियां कितने तरह की होती हैं? गलतियां 2 तरह की होती हैं, एक वो गलती जो अकाउंट में गलती होती है और एक वो गलती जो बुक में गलती होती है। सर इसमें क्या फर्क होता है, अकाउंट में गलती और बुक में गलती में क्या फर्क होता है? लो जी एग्जांपल से समझते हैं, शांति से समझना, एकदम आराम से समझेंगे। मैंने क्या किया, गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज 20,000, ठीक है? मैंने गुड्स बेचा राम को कितने का, 20,000 का। मैं एंट्री क्या करूंगा, राम अकाउंट डीआर टू सेल्स कितनी सर, 20,000 करूंगा, ओके। अब ये हो गई मेरी एंट्री। सर इसे हम पता क्या बोलते, बुक बोलते, ठीक है? बुक, बुक मतलब जनरल बुक।
जनरल बुक में जो ट्रांजेक्शन था उसको मैंने सही लिख दिया। अब जब हम लेजर्स बनाएंगे तो लेजर कौन कौन से बनेंगे, एक लेजर बनेगा राम का, राम अकाउंट बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। मैं लिखूंगा राम अकाउंट में टू सेल्स 20,000, ठीक है। और मैं सेल्स अकाउंट में क्या लिखूंगा, मैं सेल्स अकाउंट में लिखूंगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, गॉट इट। इसमें क्या लिखूंगा मैं, बाय राम। ये तो सही ट्रीटमेंट हो गया, ये तो सही ट्रीटमेंट हो गया। आप आराम से समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैंने एंट्री सही कर दी बट राम अकाउंट में टू सेल्स मैंने क्या किया, 20,000 की जगह कितना कर दिया, 18,000 कर दिया, ठीक है। लेकिन सेल्स अकाउंट मैंने सही किया, ये एकदम सही किया मैंने, ये एकदम सही किया मैंने, ठीक है। तो अब यहां पर गलती हुई, इस गलती को हम सिंगल साइड बोलेंगे, डबल साइड बोलेंगे। पहली बात, जब मैंने एंट्री करी, जब मैंने एंट्री करी तो क्या एंट्री मैंने एकदम सही करी क्या? हाँ सर, एंट्री एकदम सही करी आपने, लेकिन जब पोस्टिंग करने गए तो हर एक एंट्री दो जगह पोस्ट होती है। मैंने उसकी पोस्टिंग राम अकाउंट में तो कर दी, मैंने उसकी एंट्री राम अकाउंट में तो कर दी, लेकिन अमाउंट गलत लिख दी। तो इसका मतलब ये एरर हो गया, क्या हो गया साहब, एरर इन अकाउंट हो गया, एरर इन अकाउंट हो गया, ठीक है। लेकिन सेल्स अकाउंट में एंट्री करी तो क्या करी मैंने, पोस्टिंग सही करी क्या? हाँ सर, पोस्टिंग सही कर दी। इसे हम बोलते हैं सिंगल साइड एरर। सिंगल साइड एरर का मतलब होता है जब आप एंट्री सही करो बट पोस्टिंग के वक्त गलती कर दो, उसे बोलते हैं सिंगल साइड एरर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर मुझे इसे सही करना है, अब सही करना है तो सही करूं कैसे, क्या क्या इसको सही करने के लिए, एकदम सिंपल बात करेंगे, क्या इसको सही करने के लिए मुझे इस एंट्री को चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, एंट्री तो सही हुई है। तो इस केस में मेरे केवल राम अकाउंट में गलती हुई है कि राम अकाउंट में मेरे को 20,000 लिखने थे, मैंने कितने लिख दिए, 18,000 लिख दिए। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां 2,000 और लिख दूंगा। आप समझने की कोशिश करना, मैं 2,000 और लिख दूंगा। 2,000 और क्यों लिख दूंगा, क्योंकि मेरे यहां पर एंट्री 20,000 सॉरी पोस्टिंग 20 से होनी चाहिए थी, लेकिन पोस्टिंग मैंने खाली कितने से करी, 18 से करी, मतलब 2000 से मैंने पोस्टिंग गलत कर दी। तो पोस्टिंग गलत कर दी तो उसको सही करना पड़ेगा। शांति सुनना, यहां पर मेरी एंट्री सही हुई, मेरी एक पोस्टिंग गलत हुई, एक पोस्टिंग सही हुई, तो इसे हम बोलते हैं सिंगल साइड एरर। तो इस केस में मुझे पूरी एंट्री सुधारने की जरूरत नहीं है, एंट्री तो सही सुधरी हुई है, खाली मुझे उस अकाउंट को सुधारना पड़ेगा, केवल उस अकाउंट को सुधारना पड़ेगा, सब कुछ सुधारने की जरूरत नहीं। बात समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है जी। चलो तो फिर सर डबल साइड एरर क्या होता है, देखो मैंने कुछ लिखा है इसके अंदर, आओ जी ऊपर लिख दिया। हाँ देखो, एरर इन अकाउंट मतलब आपने एंट्री सही करी है, सिंगल साइड एरर है, तो अब खाली मुझे क्या रेक्टिफाई करना है, सिंगल अकाउंट ही रेक्टिफाई करना है, पूरी एंट्री रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आई। तो सर एरर इन बुक क्या होता है, एरर इन बुक का मतलब होता है एंट्री करते टाइम ही गलत लिख दिया, एंट्री करते टाइम ही गलत लिख दिया, उसे क्या बोलते हैं, एरर इन बुक बोलते हैं। समझाओ सर, मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगा। राम अकाउंट डीआर टू सेल्स, मैंने एंट्री करी तब मैंने क्या किया, एंट्री क्या करी मैंने, गलती से मिस्टेक कर दी सर, मैंने यहां लिख दिया अरे राम 18,000 लिख दिया, ओ हो। तो यहां पर मेरी गलती हुई, गलती क्या हुई कि मैंने बुक में गलती कर दी। तो अब जब इसकी मैं पोस्टिंग करूंगा तो पोस्टिंग क्या होगी, पोस्टिंग क्या होगी, ये हो जाएगी। तो यहां पर मुझे एक अकाउंट सुधारना है कि दोनों अकाउंट सुधारने, सर दोनों अकाउंट सुधारने, क्योंकि आपने एंट्री कब करी, एंट्री करी उसी वक्त ही गलती कर दी। इसे बोलते हैं डबल साइड एरर। डबल साइड इफेक्ट पड़ गया ना, राम में भी फर्क पड़ गया और श्याम में भी फर्क पड़ गया, इसे बोलते हैं डबल साइड एरर बोलते हैं। बात समझ में आई सर, एकदम समझ में आई, इसको समझाओ वापस। आओ जी देखो, एरर इन टू वे, एरर इन अकाउंट, एरर इन बुक। एरर इन अकाउंट में सिंगल साइड एरर, इसमें डबल साइड एरर आ गया। रेक्टिफाई इन सिंगल अकाउंट, और इसमें रेक्टिफाई क्या करना पड़ेगा,
एंट्री, पूरी एंट्री सही करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? चलो अब सर मुझे पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि ये गलती अकाउंट में कि बुक में? एकदम आड़ू तरीके से पढ़ेंगे, एकदम आड़ू तरीके से। सर मुझे पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में गलती अकाउंट में हुई कि बुक में हुई? बॉस अगर क्वेश्चन में आपको बुक वर्ड मिल जाए, क्या मिल जाए? बुक वर्ड, तब तो वो डबल साइड एरर है। और कुछ नहीं मिले या अकाउंट वर्ड मिल जाए तो वो कौन सा कहलाएगा? आपका सिंगल साइड एरर कहलाएगा। जब आपको क्या मिल जाए? बुक वर्ड मिल जाए, डबल साइड एरर है, कुछ नहीं मिले तो क्या कहलाएगा? वो सिंगल साइड एरर कहलाएगा। गॉट इट? बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई? पक्का समझ में आई? आई सर। आओ जी इसको समझते हैं हमारे हिसाब से। चलो अच्छा अब मैं क्या कराऊंगा आपको, सुनो, ये समझ में आ गया सिंगल साइड डबल साइड क्या होता है। अब इसको सुधारें कैसे? मैं सबसे पहले ये वाला पढ़ूंगा, फिर ये वाला पढ़ूंगा, और फिर ये वाला पढ़ूंगा। मैं आपको तीन या चार एग्जाम्पल कराऊंगा, तीन या चार एग्जाम्पल करने के बाद आप ये पूरा चैप्टर कर सकते हो, पक्की बात है। हाँ, पांच चार एंट्रियां देखो अलग लेवल की होती है, उसके अलावा लगभग पूरी एंट्री कर सकते हो। एक छोटी सी ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। लो जी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, सिंपल सी। फर्नीचर परचेज रुपीज 40,000 बट रॉन्गली डेबिटेड इन परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, ठीक है। देखो चार स्टेप होते हैं, चार स्टेप, चार मतलब चार, ये चार स्टेप आपके इस खोपड़े में, इस दिमाग में घुस जाने चाहिए। अगर ये चार स्टेप आपको समझ में आ गए तो चैप्टर ही खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हो, चार स्टेप में चैप्टर खत्म कर डालोगे? एकदम मस्त, चार स्टेप कर लो, स्टेप कर लो, खत्म बात। क्या बात कर रहे हो सर? पहली बात कि सर ये गलती अकाउंट में होगी बुक में, वो देखो। दूसरी गलती किस में हुई? देखो अकाउंट में हुई। सर कैसे पता चला? अगर क्वेश्चन में बुक दे देता तो मैं डबल साइड मानता, अदरवाइज मैं सिंगल साइड मानूंगा। ये गलती है क्या? सिंगल साइड। लो जी चार स्टेप क्या है, देखो। कोई भी इंसान कुछ गलत करता है और अगर आपको उसको सुधारना है, मैंने कुछ गलत काम किया, मैंने कोई गुनाह कर दिया, मुझे सुधरना है, मुझे क्या करना है? मुझे सुधरना है। तो मैं कब सुधरूंगा? जब मैं अपनी गलती मानूंगा। अगर मैं गलती नहीं मानूंगा तो मैं सुधर नहीं सकता। तो सबसे पहला स्टेप नंबर वन, जो भी आपने गलत किया वो लिख दो, जो भी आपने गलत किया वो लिख दो शांति से। सर मैंने गलती क्या करी? फर्नीचर परचेज किया और गलती से मैंने कहाँ लिख दिया? परचेज अकाउंट में लिख दिया। ये सिंगल साइड एरर है। तो गलत मैंने क्या किया? परचेज अकाउंट डीआर कर दिया 40,000, ठीक है। अब भावनाओं में नहीं बहना है कि सर परचेज अकाउंट डीआर टू कैश कर देते, नहीं। जब गलती सिंगल साइड हुई तो पूरी एंट्री क्यों सही करनी है? मेरे को समझ में नहीं आता यार। तो आपको खाली परचेज अकाउंट डीआर करना है 40,000, क्योंकि आपने गलत ये किया है, पूरी एंट्री गलत नहीं करी है। मतलब आपने खाली जब पोस्टिंग करी ना, तब परचेज अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया 40,000 से, ठीक है जी। आराम से इसको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है जी। दूसरा स्टेप क्या है? लो जी दूसरा स्टेप क्या है, जो आपने गलती करी उसको रिवर्स कर दो। जो भी गलती करी उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब होता है डीआर को सीआर कर दो, सीआर को डीआर कर दो। तो गलती करी तो इसकी रिवर्सल क्या होगा? टू परचेज अकाउंट। कितना सर? 40,000। ये भी समझ में आ गया सर? एकदम समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर थ्री क्या है? स्टेप नंबर थ्री होता है सही क्या होना चाहिए था। सही क्या होना चाहिए था? तो सही होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डीआर। भाई अच्छा, इस चैप्टर को करने से पहले भाई एक बात ध्यान रखना, मैं कितना भी समझा दूं या कोई भी कितना भी समझा दो, ये चैप्टर आपको तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको एंट्रियां नहीं आती। बेसिक एंट्रियां तो कम से कम आनी चाहिए। फर्नीचर खरीदता हूं तो एंट्री फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश होती है, मुझे पता है ना, इतना पता होना चाहिए। तो सही क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डीआर। ये तीन स्टेप हो गए। पहले गलत लिखा,
मैं मानता हूं मैंने गलती करी, चलो सुधारो, सुधार दिया, अब सही क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। और स्टेप नंबर फोर पता क्या होता है, बस सीधे से स्टेप नंबर टू प्लस स्टेप नंबर थ्री को जोड़ दो, मिक्स कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डी आर टू परचेज। लो जी, लो सर, मेरा काम हो गया सर। इतना ही है एक्चुअल में, इतना ही चैप्टर है सही में। अब इसके लेवल के क्वेश्चन आप कितने भी बना लो वो बात अलग है, लेकिन होगा ही होगा। इसने गलती करी, देखो डेबिटेड इन परचेज अकाउंट। चलो ये समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब इसको मैं अकाउंट के थ्रू समझा दूँ, हालांकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी समझ लो। हुआ क्या, इसने क्या किया, परचेज अकाउंट लिख दिया, परचेज अकाउंट बनाया इसने, परचेज अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट इसने टू कुछ भी लिख दिया, मुझे नहीं पता क्या लिखा, वो कैश कस्टमर कुछ भी लिख दिया, लेकिन यहाँ 40,000 लिख दिया, ये इसने गलत लिखा। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख दूँ बाय फर्नीचर 40,000, ऑटोमेटिकली मैच हो गया। परचेज अकाउंट में कुछ आना ही नहीं चाहिए था, तो जितने से डीआर के उतने से सीआर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से फर्नीचर भी आपके हो जाएगा। सर और समझाओ, ये तो समझ में आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा भारी लेते हैं, सीधा ही थोड़ा सा आराम से, थोड़ी लेवल की चीज़ें ही करते हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं, लिखो एग्जांपल, परचेज गुड्स रुपीज 20,000 बट रॉन्गली क्रेडिटेड, आराम से समझना, थोड़ा भारी कर रहा हूं, रॉन्गली क्रेडिटेड इन, रॉन्गली क्रेडिटेड इन, आराम से, रॉन्गली क्रेडिटेड इन बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट कर लेते हैं, चलो इन बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, थोड़ा टिपिकल करें ना, करें तो फिर बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। अरे सर ऐसी एंट्री तो हमारी किताब में नहीं है, ये क्या एंट्री आ गई, बहुत भारी एंट्री आ गई। देखो समझते हैं इसको, पहली बात ये देखो सिंगल साइड एरर की डबल साइड एरर, तो सर अकाउंट में गलती है तो कौन सा अकाउंट हो गया, सिंगल साइड एरर। अब चार स्टेप है, 1, 2, 3, 4, पहला स्टेप है गलत क्या हुआ, क्या लिख रखे, क्रेडिटेड टू बैड डेब्ट्स रिकवर, ये तो लिखा है, तो मैंने गलत में क्या कर दिया, टू बैड डेब्ट्स रिकवर, कितना 20,000, यही तो हुआ। इसको क्या कर दे, रिवर्सल कर दे, तो एंट्री आ जाएगी बैड डेब्ट्स ये होगा। सही क्या होना चाहिए, सही क्या होना चाहिए, परचेज क्या गुड्स, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डीआर 20,000। लो जी सर ये होगा। स्टेप नंबर फोर क्या होता है, 2 + 3, तो 2 करें तो 2 में क्या है, डेबिट है ना, बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर कितना 20,000। ठीक है, अरे सर स्टेप नंबर 3 में भी डेबिट हो रहा है, अरे यार कोई बात नहीं, लिख दो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000। सर ये तो तमाशा हो गया, सर तमाशा किस चीज को हो गया, तो आपकी एंट्री नहीं मिली, डेबिट डेबिट ही लिख दिया। तो एक हमारे एक सिद्धांत होता है बेटा अकाउंट्स में, जिसका कोई नहीं ना, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं ना, उसका भगवान ना, भगवान नहीं नालायक, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता, सस्पेंस। तो अगर इस एंट्री में स्पेस बैलेंस बचता है तो किस नाम से लिख देंगे हम, टू सस्पेंस, सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट, कितना 40,000। इतना सिंपल है, सीरियसली सर और समझाओ, समझ में आ गया, आ गया सर। चलो एकदम सिंपल, परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 30,000 बट
रॉन्गली एंटर इन सेल्स बुक क्यों नाम जुड़ गया सेल्स बुक सर बुक मतलब डबल साइड एरर अब क्या करें जब डबल साइड एरर है तो करना कुछ नहीं है हमें दोनों साइड सुधारनी पड़ेगी क्या हुआ वन टू थ्री फोर सर कितना इजी है ना ये चार स्टेप लिखते मेरा काम हो जाएगा पहले स्टेप मैंने गलत किया रॉन्गली एंटर्ड हाँ सर रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक तो गलत क्या किया मैंने एंट्री करी होगी अब देखो बुक गलती होगी तो डबल साइड एरर है तो एंट्री क्या हो जाएगी राम अकाउंट डी आर टू सेल्स सर कितना 30,000 ये क्या होगी गलत स्टेप टू क्या है इसको उल्टा कर दो तो एंट्री क्या हो जाएगी सेल्स अकाउंट डी आर टू राम अरे डबल साइड में पूरी एंट्री सही करनी पड़ेगी खत्म बात 30,000 स्टेप नंबर थ्री कौन सा होएगा सर स्टेप नंबर थ्री क्या होएगा जो सही है वो लिख दो सही है वो लिख दो सर सही क्या होना चाहिए परचेज किया ना परचेज अकाउंट डी आर 30,000 टू राम लो जी 30,000 ठीक है और स्टेप फोर क्या बोलता है टू प्लस थ्री दो और तीन को जोड़ दो तो दो तीन को जोड़ेंगे तो देखो सेल्स अकाउंट डीआर कितना 30,000 ठीक है राम सीआर हो रहा है परचेज वाले को एक साथ लिख दे पहले टू राम कितना 30,000 लो जी मेरे हिसाब से इससे इजी कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता इस चैप्टर के अंदर ठीक है इसको इस इजी तरीके से कोई नहीं करा सकता गॉट इट समझ में आ गया एकदम सिंपल तरीके से कराने की कोशिश करिए सर और समझाओ एक आता एग्जांपल लो जी एक आता एग्जांपल और समझ लेते हैं ठीक है लास्ट है थोड़ा सा शांति से करेंगे टिपिकल करेंगे ठीक है परचेज गुड्स रुपीज 30,000 फ्रॉम मोहित बट रॉन्गली एंटर इन रोहित अकाउंट बाय रुपीज 25,000 ये क्वेश्चन है अभी तक जो कराया हमने सबसे बेस्ट हो गया कैसे अब हमने क्या किया परचेज किया गुड्स किससे मोहित से लेकिन रॉन्गली एंटर्ड हो गया रोहित अकाउंट में अब रोहित अकाउंट में हुआ तो अब रोहित अकाउंट को अगर मैं कंपेयर करूं तो रोहित अकाउंट मोहित की जगह आया होगा ये पक्की बात है परचेज की जगह नहीं आया होगा दूसरी बात कहीं भी क्वेश्चन में दूरबीन से देखो कहीं बुक दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा ना तो सिंगल साइड एरर नहीं दिख रहा तो सिंगल साइड एरर अगर मैं सही एंट्री की बात करूं तो सही एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट डी आर टू मोहित ठीक है लेकिन इसने पोस्टिंग के वक्त रोहित लिख दिया तो अब देखो 1, 2, 3, 4 पहला गलत क्या किया इसने टू रोहित किया कितने रुपए 25,000 रुपए ठीक है अब हम बात करें इसको उल्टा करें तो क्या हो जाएगी रोहित अकाउंट डी आर कितना 25,000 ये भी ठीक है स्टेप थ्री क्या है सही क्या होना चाहिए टू मोहित होना चाहिए कितना 30,000 से लो जी स्टेप फोर क्या बोलता है टू प्लस थ्री इतनी सी बात है तो टू में क्या आ रहा है रोहित अकाउंट डीआर कितना 25,000 एक लाइन छोड़ दें क्यों मोहित ये है ना टू मोहित मोहित को सीआर है 30,000 से अरे यार फिर वही बात हो गई कि बैलेंस मैच नहीं किया डेबिट तो 25 से है क्रेडिट कितने से तो 30 से तो बताया ना जिसका कोई नहीं उसका आप उनका सस्पेंस बचा हुआ कहां जाएगा सस्पेंस लो जी इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता इस चैप्टर को करने का
मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मैंने 5 एग्जांपल कराए या 4 कराए, जो भी एक सिंगल तरीके से कराए, सिंपल तरीके से कराए, ठीक है जी, हो गया। चलो सर, सर मेरा काम हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ अलग से नोट, इफ एनी बुक इज, बुक मतलब बुक, कोई बुक टोटल इज अंडरकास्ट और ओवरकास्ट और ओवरकास्ट, बुक का टोटल अंडरकास्ट है या ओवरकास्ट है, देन उसको हम किससे सेटअप करेंगे, देन यूज सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पर एंट्री में गलती नहीं, जोड़ में गलती है, सस्पेंस अकाउंट टू रेक्टिफाई द एरर, रेक्टिफाई द एरर, ठीक है जी। एग्जांपल खाली एक ही करेंगे, सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय रुपीज 10,000, ठीक है। सेल्स बुक का बैलेंस क्या होता है, डीआर होता है कि सीआर होता है, सेल्स बुक का बैलेंस सर सेल्स तो सीआर होता है, तो मतलब ये कम हो गया और बढ़ा दो, तो एंट्री टू सेल्स कितना 10,000 बस। ये देखो बुक में गलती नहीं है, सेल बुक का जोड़ में गलती है, तो यहां ऊपर कौन आ जाएगा, सस्पेंस कितना 10,000, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन आता सेल्स बुक इज ओवरकास्ट, क्या आ जाता, ओवरकास्ट। मैं थोड़ा स्पीडली करा रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना बन जाए। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा है, सेल्स का बैलेंस सीआर होता है, ओ ज्यादा हो गया मतलब सीआर ज्यादा हो गया, सही करने के लिए इसको क्या करते हैं, डीआर, सेल्स बुक सेल्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सर बहुत टाइम लगा दिया एक कॉन्सेप्ट के अंदर, चलो देखते हैं कुछ नया सीखने में मिलता है क्या। आओ जी सर, ये कॉन्सेप्ट डन, मेरा ये कॉन्सेप्ट डन। अब सुनो, सेकंड स्टेप करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। सर अब वापस बातें बताओगे, हाँ जी सर सुनो, हमारे यहाँ 3 तरह के अकाउंट होते हैं, एक तो रियल, एक पर्सनल और एक नॉमिनल, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, रियल और पर्सनल वो अकाउंट्स होते हैं जो पेंडल में नहीं जाते हैं, रियल और पर्सनल वो होते हैं जो पेंडल में नहीं जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं, आपके बैलेंस शीट में, जैसे कि डेटर, असेट्स, लाइबिलिटीज एटसेट्रा, ठीक है जी, ये इस तरीके से जाते हैं, गॉट इट, ये यहां यहां जाते हैं। अब नॉमिनल क्या होते हैं साहब, नॉमिनल वो होते हैं जो आपके पीएनएल में जाते हैं, पीएनएल में जाते हैं। सर पीएनएल में कौन कौन से जाते हैं, 4 ही जाते हैं खाली, एक तो एक्सपेंस, दूसरा लॉस, तीसरा प्रॉफिट और चौथा गेन। सर जैसे कि सैलरी, रेंट एटसेट्रा, मेन चीज है परचेज भी नॉमिनल होता है एंड सेल्स भी नॉमिनल होता है, जो ट्रेडिंग पेंडल में जाते हैं, ट्रेडिंग पेंडल में वो सब किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब सर इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही आपके अकाउंट्स खत्म होते हैं, आपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए, फाइनल अकाउंट्स बनाते ही बताया क्या होगा, फाइनल अकाउंट्स बनाते ही आपके जो भी ट्रांजेक्शन नॉमिनल नेचर के होते हैं वो पीएनएल में जाकर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और जो रियल और पर्सनल है वो बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंस शीट के थ्रू अगले साल कैरिड फॉरवर्ड हो जाते हैं। कहाँ आते हैं, आपके पीएनएल में आते हैं, पेंडल में आकर नॉमिनल अकाउंट खत्म, लेकिन जो पर्सनल और रियल होते हैं वो क्या होते हैं, अगले साल कैरिड फॉरवर्ड होते हैं, कैसे होते हैं, वाया बैलेंस शीट होते हैं, गॉट इट।
तो आपने क्या किया आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट्स, मतलब जैसे ही फाइनल अकाउंट्स बनाया तो आपने क्या किया, जो भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स उनको खत्म कर दिया, उनको ओम नमः शिवाय कर दिया, ओम नमः शिवाय स्वाहा 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 खलास। और फिर जो आपके बैलेंस शीट रिलेटेड, जैसे कि आपके पर्सनल और रियल को आपने कैरिड फॉरवर्ड कर दिया, ऐसा ही किया सर। अब गलती अगले साल पकड़ में आई, हाय राम, अकाउंट्स बनाने के बाद अगले साल गलती पकड़ में आई तो क्या होगा? सर समझें इसको कितना सिंपल है, आराम से एकदम सिंपल लाइन में बताऊंगा, एक एग्जांपल करते हैं, एकदम छोटा सा एग्जांपल। परचेज गुड्स रुपीज 10,000 रॉन्गली एंटर इन, रॉन्गली एंटर इन फर्नीचर, क्या लिख दिया, फर्नीचर में लिख दिया। मैं स्टेप 1 2 3 4 सीधा 4 स्टेप कर रहा हूँ। एंट्री क्या हो जाएगी, इसको सही करेंगे तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट DR टू फर्नीचर। कितना सर, 10,000 एंटर सर, यही होगा। क्या करना है सर, आराम से सर, चार के चार स्टेप फॉलो करने हैं, चारों के चारों स्टेप फॉलो करने हैं वैसा का वैसा। लास्ट में क्या करना, जो जो नॉमिनल अकाउंट्स है सर, इन दोनों में नॉमिनल अकाउंट्स कौन सा है, केवल आपका परचेज, तो उस नॉमिनल अकाउंट को काट के क्या लिख देना, बस P&L एडजस्टमेंट, बस कॉन्सेप्ट खत्म। बारे हो गया सर, सेम ट्रीटमेंट जो अभी डिस्कस किया, बस फर्क क्या आया कि जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसको काट के पेंट एडजस्टमेंट करना, बाकी सेम का सेम। सर ये तो मौज कर दिया आपने। हाँ जी सर, कोई भी एग्जांपल लेके देखते हैं। हुआ क्या, परचेज नहीं कोई और लेते हैं, लिखो वेजेस पेड फॉर फर्नीचर ₹10,000 रॉन्गली एंटर इन वेजेस अकाउंट। चलो सर आराम से, पहली बात तो ये, कोई भी खर्चा असेट्स को खरीदते वक्त होता है वो असेट्स के नाम से लिखा जाता है, कोई भी खर्चा असेट्स को खरीदते वक्त लिखते हैं होता है तो उसे असेट्स के नाम से लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम चारों स्टेप लेते हैं, स्टेप नंबर 1 2 3 और 4। पहला स्टेप, शांति से, हमने गलती करी, ओ हो सर गलती से उसको कहाँ लिख दिया, वेजेज अकाउंट में लिख दिया, तो होगा क्या, वेजेज अकाउंट DR कितना 10,000। स्टेप नंबर 2 क्या, उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 2 वेजेज अकाउंट कितना 10,000। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, इस जो सही है वो लिखो, सही क्या है, वेजेस पेड फॉर फर्नीचर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मतलब पोस्टिंग क्या हो जाएगी, सिंगल साइड एरर है, फर्नीचर अकाउंट कितना 10,000, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, 2 + 3, तो इसको हम अगर सही करें तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट DR टू वेजेस। मेरे हिसाब से मेरा काम हो गया, ये हो गया। अब क्या मजा आएगा, मजा ये है सर, शांति से, ठीक। अब होगा क्या, सुनो, इसमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, वेजेस नॉमिनल है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, P&L एडजस्टमेंट, ठीक है ना। चलो सर मेरा काम हो गया, सर इतना इजी है, हाँ सर इतना इजी है, 80% क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको थोड़ा बहुत नियत से करोगे तो, हो सकता है देखो 10% 20%, इसलिए अच्छा इस कॉन्सेप्ट से नहीं हो, इस कॉन्सेप्ट से तो हो जाएंगे, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी हार्ड हो सकती है, बाकी इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सर एग्जाम में हमें चारों स्टेप करके आने हैं क्या, नहीं, एग्जाम में आपको केवल फाइनल एंट्री लिखनी है, ये सब वर्किंग नोट है, ये आपको कहाँ लिखने हैं, पीछे रफ पेज में, कहाँ लिखोगे, रफ पेज में लिखोगे, इसका कोई मतलब नहीं है, मेरे काम का खाली यही है, गॉट इट। चलो आओ सर ऊपर चलते हैं, आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट्स भी हो गया, गॉट इट। अच्छा एक बात, अगर आपका सस्पेंस का बैलेंस बचता है आफ्टर प्रिपरेशन रेक्टिफिकेशन, अगर क्वेश्चन देता है आपको,
आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन अगर देता है रेक्टिफिकेशन के अंदर और फिर भी आपका सस्पेंस का बैलेंस बच जाता है, तो सस्पेंस के बैलेंस को आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, केवल इस वाले केस में नहीं करना। क्या बोला? सस्पेंस का बैलेंस बचता है आफ्टर प्रिपरेशन रेक्टिफाई, भी सारे हथकंडे अपना लिए, अभी भी मेरा सस्पेंस अकाउंट बचा हुआ है तो उसको कहाँ भेज दूंगा, कैपिटल अकाउंट में भेज दूंगा। ऐसे इसमें एक पेंडल एडजस्टमेंट और क्रिएट होगा तो पेंडल एडजस्टमेंट को भी कहाँ भेज देंगे, कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। ये एंट्री आपको क्वेश्चन बोले तो करके ही आनी है, नहीं बोल के आए, बोले तो करके आओ तो भी अच्छी बात है, नहीं करके आओ तो भी अच्छी बात है। लो जी सर, एक बचा सर। अरे सर, ये तो लोग नॉर्मली पहले कराते हैं, अपन लास्ट में कराते हैं। हाँ जी, ये थोड़ा सा अलग है, सिंपल है, लेकिन टेंशन नहीं है, 2 मिनट का खेल हो रहे हैं। अपने दोस्तों वोस्तों को भी भेज देना जिनका ये चैप्टर बचा हुआ हो, जिनको नहीं आता भाई, ये चैप्टर एक्चुअल में हार्ड रहता है लोगों के लिए, ठीक है ना। चलो, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस लेजर आर स्टिल ओपन, जो अभी क्लोज नहीं हुए। ऊपर कर देते हैं। चलो, मैंने क्या करा, राम अकाउंट डी आर टू सेल्स 20,000 राम अकाउंट बना रहा हूं, पर्टिकुलर अमाउंट यहां मैंने लिख दिया टू सेल्स 18,000, ठीक है। उन सब केसेस में ट्रायल बैलेंस बन गई थी, मतलब इनका एडजस्टमेंट हो चुका, इनका बैलेंस निकल चुका। लेकिन इस केस में जो बिफोर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस में आपके अकाउंट ओपन है तो इस केस में आपको कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सीधा लिख दो टू सेल्स 2000, बस खत्म। या लिख दो टू राम अकाउंट इज अंडर कास्ट बाय 2000। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, मतलब अगर बिफोर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस है तो आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। उस केस में आप सिंपल क्या करो, अकाउंट के अंदर लिख दो। अब एग्जाम में कैसे लिख के आ रहा ना वो समझ लेते हैं। चलो जी, शांति से, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, पहला क्या है, एरर इन बुक, दूसरा क्या है, एरर इन अकाउंट। तो बुक में गलती है तब तो सर मुझे ऑब्वियसली सही करना पड़ेगा, दोनों साइड है ना, तो एंट्री कर दो, मेक एंट्री, ठीक है। और अगर अकाउंट में गलती है तो सीधा लिख दो, मतलब मान लो राम 2000 से कम है ना, तो लिख दो सीधे टू, खाली लिख दो, आपको आंसर लिख के आना है लिखता, ठीक है, टू लिख दो या फिर लिख दो सीधा सेल्स अकाउंट, जो भी है, टू अकाउंट इज अंडरकास्ट और स्लैश ओवरकास्ट, बस इतना लिख दो, खाली खत्म बात, इतना ही कर दो। सर इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी में तो दिक्कत नहीं आएगी, एक मिनट और लूंगा खाली, आपकी मेरा काम हो गया। अच्छा, अभी आप प्रिपरेशन चालू करो ना, तो इसको मेरी वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे। इलस्ट्रेशन दो से स्टार्ट करना, एक से स्टार्ट मत करना, ठीक है ना। देखो, अच्छा ये बिफोर ही है, इसने लिख नहीं रखा इसके अंदर, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये, ठीक है ना। अब देखो, टोटल ऑफ परचेज बुक हैज अंडरकास्ट बाई 100 रुपये से परचेज बुक अंडरकास्ट है। अगर हम आफ्टर ट्रायल बैलेंस करते तो एंट्री हो जाती परचेज अकाउंट डियर टू सस्पेंस, लेकिन अभी जब हमने ट्रायल बैलेंस ही नहीं बनाई तो सस्पेंस क्रिएट कहां से होगा? सस्पेंस अकाउंट क्रिएट ट्रायल बैलेंस से होता है। जब ट्रायल बैलेंस का जोड़ मैच ही नहीं करता ना, तब हम क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। तो परचेज अकाउंट बुक कम हो गई 100 रुपए से, परचेज का बैलेंस क्या होता है, डीआर होता है। अब लिख दो परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय 100, बस इतना से लिखना है, टू परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय 100, इतना लिखना है, ये आंसर है, एंट्री करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न इनवॉल्व मतलब सेल्स रिटर्न इज अंडरकास्ट बाई 100, सेल्स रिटर्न का बैलेंस डीआर होता है, तो लिख दो टू सेल्स रिटर्न इज अंडरकास्ट बाई 50, खत्म बात, इतना ही करना है, मेरा कार्यक्रम हो जाएगा। चलो बाय 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 बाय। कुछ और भी आपको डाउट हो अकाउंट्स में या किसी सब्जेक्ट में तो मुझे बोल देना, मैं टीचर्स को बोल के उनकी वीडियोज आपको बनवा कर दे दूंगा। ढंग से पढ़ना, बाय बाय।
बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय।